फाइनली मेरा ड्रीम जो था ना पूरा हो गया है, क्योंकि मैं पॉल भाई को फॉलो करता हूँ और आज फाइनली इनसे मिला हूँ। कैसे पॉल भाई आप? बस बढ़िया, कैसे हो भाई? मेरे को यार बहुत मतलब बता नहीं सकता हूँ क्या फीलिंग आ रही है अंदर से। अच्छा लगा मिलके भाई, मैं बता नहीं सकता मतलब मैं कैसे फील कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बहुत अमेजिंग लग रहा है। मेरा चैनल से कोई भाई का ब्लॉग देख रहे तो जरूर जाके सब्सक्राइब लाइक सब कर दो भाई, तबाही कर दो भाई। अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे। मेरे चैनल का नाम है मनोज बोरा ब्लॉग्स डीएक्सबी, मनोज बोरा ब्लॉग्स डीएक्सबी। गाइस तबाही सब्सक्राइब कर दो भाई को, मोटिवेट करो यार। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने रूम से। गाइस आज संडे वाला दिन है, बहुत सारे लोगों का ऑफ डे रहता है आज। आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ एक अमेजिंग जगह पे, लेट्स गो। जैसे कि बता दो, अपने डोर को लॉक कर रहा हूँ और निकलते हैं। गाइज अपने रूम से निकल गया हूँ और आपको लेके चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ क्या होता है आज स्पेशल। गाइज जहाँ मैं आपको लेके चलने वाला हूँ, मेरे घर से लगभग 15 मिनट की वॉकिंग जर्नी है और रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ट्रैफिक सिग्नल है, अब ये ट्रैफिक सिग्नल को मैं क्रॉस कर लूँ। ये बर्दुबई का ट्रैफिक सिग्नल है, जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने मेरा ये डॉल्फिन होटल और पीछे ये आरटीआई की बस। सिग्नल खुल चुका है, देख सकते हैं क्या क्राउड है। कुछ लोग अदर साइड पे भी वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनका सिग्नल ग्रीन हो जाएगा वो लोग भी क्रॉस करेंगे। अभी मैं मीना बाजार की तरफ जाने वाला हूँ और ये है मीना बाजार का एंट्रेंस गेट। संडे वाला दिन है, अधिकतर जिन लोगों का ऑफ है वो लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए और इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा क्राउडेड रहती है। शॉपिंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डिटेल में आपको, ये मार्केट दिखती है क्या नज़ारा है इवनिंग का। एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और इंडियन शॉपिंग का काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कुछ इस टाइप के नज़ारा भी देखने को मिलेगा, ये तो आम नज़ारा है। हाय हाय कर दो यार, पाकिस्तानी भाई लोग बैठे पड़े हैं, हाय कर दो जो भी लोग देख रहे हैं यार उनको। ये ट्रांसपोर्ट के लिए मिलता है, जैसे जो गलियाँ होती है सक्रिय जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती है, किसी को अपना सामान लेके जाना है तो इस टाइप का जो हाथ गाड़ी बोलते हैं इंडिया में, उस टाइप की चीज़ मिल जाती है जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर। जैसे नॉर्मली आप लोग देखते होंगे यार, ये जो भी लोग दुबई से आते हैं नॉर्मली ये चॉकलेट्स ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं। ये चॉकलेट की शॉप है, ये सारी वेराइटीज़ हैं चॉकलेट। इस टाइप की हाथ गाड़ी आपको नॉर्मली मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। गाइज आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूँ, बाय द वे आप मीना बाजार आते हो कभी, एक लाइन पे सारी गोल्ड की शॉप्स हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, दमाक हो गया और जय लकास, और ये वॉच की शोरूम है बहुत कुछ इस टाइप से नज़ारा आता है गाइज, तो उसके आप लोग देख सकते हो। और चलते चलते भाई मेरे को बड़े भाई भी मिल गए, बड़े भाई छोटे भाई। गाइस आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे क्रिसमस का टाइम है तो इस कुछ इस टाइप का डेकोरेशन है क्रिसमस का, और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है यार दुबई में भी क्रिसमस की। जैसे कि आप लोग देख सकते, जो आप लोगों को अदर साइड पे नज़र आ रही है सर, ये पब्लिक पार्किंग है और ये पेड पार्किंग है, इसमें कुछ चार्जेज होते हैं जैसे 10 दिरहम पर आवर की। गाइस मेरे सामने एक ये सरवना भवन के नाम इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नज़र आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ। आप मीना बाजार एरिया में आप साउथ इंडियन खाना आपको खाना है तो ये रेस्टोरेंट में आप ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि विंटर का टाइम है, अभी दिसंबर का टाइम है, और काफ़ी अच्छा सीटिंग एरिया भी है इसका आउटसाइड पे। कुछ इस टाइप की वाइब्स हैं गाइस। नॉर्मली ऐसे फ्लैग्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, यूएई के फ्लैग, और ये कुछ काउंटर लग रहा है स्क्रैच एंड कूपन। कितने का कूपन है ये? 10 दिरहम। क्या मिलेगा इसमें? कुछ नहीं मिलेगा तो पैसे वापस मिलेंगे? हाँ। पक्का? गाइस दुबई में भी अपना इंडिया वाला बैंक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये बर्दुबई के एरिया में है। ये ओल्ड सुपर मार्केट है,
इसके अंदर आपको सारी एंटीक चीज़ें मिलेंगी ये मार्केट के अंदर आप जाते तो। गाइस काफ़ी क्राउडेड है आज के दिन में, मैं दिखाऊँ आपको तो जैसे संडे वाला दिन मैं बता रहा था, काफ़ी क्राउडेड है गाइस, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इवनिंग का टाइम है, ये नज़ारा काफ़ी अमेजिंग है यार, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, अभी मैं था मीना बाजार में और ये अभरा का एरिया है। फाइनली मेरा ड्रीम जो था ना पूरा हो गया है, क्योंकि मैं पॉल भाई को फॉलो करता हूं और आज फाइनली इनसे मिला हूं। कैसे पॉल भाई आप? बस बढ़िया, कैसे हो भाई? मेरे को यार बहुत मतलब बता नहीं सकता हूं क्या फीलिंग आ रही है अंदर से, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूं भाई, इनके वीडियो देख के मैं भी इंक्रेज हुआ हूं और वीडियो बनाने लगा हूं अभी, और फाइनली ये मैं यहां पे चल रहा था, ये मेरे को मिल गए हैं, तो इनसे मैं कुछ डिस्कस कर कुछ टिप्स लूंगा कि कैसे करना है आपको। कैसे हो आप फर्स्ट ऑफ ऑल? एकदम बढ़िया भाई, कैसे हो आप बताओ? थैंक यू, बढ़िया चल रहा है। अच्छा लगा मिलके भाई, मैं बता नहीं सकता मतलब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बहुत अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी सारी वीडियोज़ देखता हूँ, क्योंकि जो भी आपकी वीडियोज़ रहती है ना उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज रहता है यार गाइस। जो भी मेरे को मेरे व्यूअर देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, आपने पॉल भाई को भी देखा होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं दुबई के, और जितने भी इनके वीडियोस रहती हैं ना उसमें कुछ ना कुछ मैसेज रहता है, और जो कि काफ़ी अमेजिंग चीज़ रहती है यार, और मुझे तो मिलके काफ़ी खुशी हो रही है। और मैं भाई से पूछ रहा हूँ, आप कुछ मेरे को टिप्स देना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग, क्या है कैसे करना चाहिए व्लॉग्स रिगार्डिंग व्लॉग्स? चलो नंबर वन पॉइंट तो यही है, मेहनत करना है, ठीक है ना? पक्का भाई, मेहनत करेंगे, कंटेंट अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे तो जरूर लोग को जो पसंद है वो हम लोग क्रिएट करके दिखाएंगे, तो जरूर लोग देखेंगे और सपोर्ट भी करेंगे जरूर भाई। अगर मेरा चैनल से कोई भाई का ब्लॉग देख रहे हैं तो जरूर जाके सब्सक्राइब लाइक सब कर दो भाई, तबाही कर दो भाई, अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा चैनल का नाम है मनोज बोरा ब्लॉग्स डीएक्स, मनोज बोरा ब्लॉग्स डीएक्सबी गाइस, तबाही सब्सक्राइब कर दो भाई को, मोटिवेट करो यार, ठीक है ना भाई, क्रिएट कंटेंट बना रहे हैं और मेहनत लगता है इसमें। अभी मैं सीख रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, कहीं पे होगा लोगों को 19-20 लगेगा, मगर जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक आते रहेंगे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और अच्छा लगा मिला मिलकर भाई आपसे। चलो भाई, थैंक यू, मिलते रहेंगे, कोई नहीं, ठीक है ना भाई। जो मैं आप लोगों को ये रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ ये है बड़दुबई में, और ये आगरा के आसपास है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो रेस्टोरेंट से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है सी साइड का। दुबई अपरा साइड पे, और आप लोगों को दिखा रहे हैं खूबसूरत सा नज़ारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था तो संडे के दिन में अधिकतर लोगों का ऑफ रहता है, और लोग कितने अच्छी तरह से अपना ऑफ डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो विंटर का टाइम है, दिसंबर मंथ है, फेस्टिवल का टाइम, काफ़ी सुंदर नज़ारा इंजॉय कर रहे हैं। ये अलगुबेबा मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और गाइज ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार दुबई में, आप लोगों को जूस पीना है, कोई यहाँ पे शॉपकीपर है नहीं, नॉर्मली क्या करना है आपको, ऑप्शंस यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और कार्ड से पे कर सकते हो, जूस रेडी होके यहाँ से मिलेगा आपको। ये काफ़ी सुंदर नज़ारा है गाइस, ये चेक करो आप लोग यार, देख सकते हो अधिकतर लोग सारे वीडियोज ही बना रहे हैं। इवनिंग का नज़ारा गाइस कुछ ऐसा दिखता है, गाइस काफी सुंदर सा नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ यार। काफी सुंदर सा स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये,
अधिकतर लोग देखो वीडियो बना रहे। काफ़ी सुंदर नज़ारा है जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी मैं हूँ एग्जैक्टली बरदुबे का अलगुबेबा जो पार्क है। जो नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ना, ये कोई नॉर्मल नज़ारा नहीं है। अलगुबेबा मेट्रो स्टेशन के आसपास का नज़ारा है और वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ आज यहाँ पे क्या स्पेशल होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया संडे वाला दिन है, अधिकतर लोगों का ऑफ रहता है और जितने भी नेपाली कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे ऑफ डे अधिकतर यहीं पे स्पेंड करते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जो नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सारे लोग पार्क में नीचे बैठे हैं। काफ़ी सुंदर फैसिलिटीज़ है यार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो तालाबाद का वाटर टैप। और सारे लोग बिजी नज़र आ रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारे लोग अधिकतर लोग ग्रुप्स में बैठे और एक दूसरे के मिलने वाले लोग आए हैं, कोई फ्रेंड्स हैं फैमिलीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। चारों तरफ से काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पे और काफ़ी ग्रीनरी है। भाई दो कड़क चाय दे देना यार। हाँ दो कड़क चाय और क्या चाहिए, पार्ले जी बिस्कुट ना आ गया भैया, पार्ले जी दिखा दे थोड़ा सा सस्ता और टिकाओ। और काफ़ी हेरिटेज एरिया है और इस टाइप के हुआ करते थे कुछ इन लोगों के घर पहले। ये जितना भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सारा हेरिटेज एरिया है जो कि बरदुबई के अबरा एरिया के आसपास का पूरा नज़ारा है। ये अबरा एरिया काफ़ी सुंदर सा रेस्टोरेंट है ये सेटअप जो आप लोगों को दिख रहा है। ये खजूर का पेड़, काफी क्राउडेड है। अबरा के आसपास का नजारा गाइस, गाइस फाइनली मैं मिला हूँ अभी सुधीर भाई से, ठीक है। और हैं अभी हम लोग मीना बाजार में, प्लान कर रहे हैं कुछ खाने के लिए। देखो कुछ स्नैक्स क्या खाया जाए यार, कुछ भी कचौरी वगैरह खाता है जो देखो कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी हैं मीना बाजार में, तो कुछ देखते हैं फास्ट फूड कहाँ पर मिलता है। अच्छा एक जगह तो फास्ट फूड है यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है यहाँ का, वहाँ चलें ट्राई करें। एक जगह चल रहे हैं हम लोग जहाँ पर मथुरा का कचौड़ी काफ़ी पॉपुलर है और देखते हैं कैसा उन लोगों का टेस्ट है। कुछ स्नैक्स में हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं, कुछ क्या क्या ऑर्डर करने वाले हैं, कुछ कचौड़ी सब्जी इस टाइप की चीज़ें ना देखते हैं। जैसे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो यार ये मथुरा की फेमस कचौड़ी और कुछ स्नैक्स आइटम है। लेट्स गो कुछ ऑर्डर करते हैं, ट्राई करते हैं क्या है इनके पास में। कुछ ऑर्डर कर लिया जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो और अभी मैं हूँ मीना बाजार में और फाइनली हम लोग कुछ स्नैक्स ऑर्डर करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मथुरा वाले हैं और इनका फेमस खस्ता कचौड़ी है। खस्ता कचौड़ी तो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, उसके साथ में देखता हूँ और क्या क्या इनके उसमें। कैसे भैया आप? सर एकदम बढ़िया। अच्छा क्या है आपके उसमें स्पेशल, जैसे कि खस्ता कचौड़ी तो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, उसके अलावा आप क्या? सबसे पहले हमारा जो नाश्ता है वो मथुरा का है। अच्छा मथुरा शहर में जो मिलता है वो हम यहाँ भेजते हैं। मेरे को मथुरा का ही चाहिए ना, ये पाँच ग्राम है। इस पाँच ग्राम में आप कोई भी सामान ले सकते हो, तीन से पांच तक का हमारा सारा आइटम है। दिखा दे मेरे को भी, दिखा दो पांच का रोल दिखा दे। जैसे कि
आप लोग देख सकते हैं, इन्हें बहुत मतलब शॉर्ट में बता दिया, 5 ग्राम में सारी चीज़ें मिल रही हैं। 5 ग्राम तो मैं भी ऑर्डर करने वाला कुछ चाट। अगर आपको खाना है स्पाइसी तो आप कहिए कचौड़ी मिलेगा, आलू ग्रेवी मॉर्निंग 8 बजे रात के 11 बजे तक आओगे, कचौड़ी सब्जी आपको कंटिन्यू मिलेगा। थैंक यू। अभी क्या देने वाले हो? अभी आप कहिए ठंडे में दही वड़ा। एक तो दही वड़ा बिल्कुल फ्रेश बनता, 4 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। डन डन, ठीक है। और एक कचौड़ी। एक कचौड़ी, कचौड़ी। उसके अलावा आपको लगे कुछ और खाना है? चाय दे दो, दो दो चाय देंगे आपको। बढ़िया, थैंक यू। देखते हैं, ट्राई करते हैं इसका टेस्ट कैसा। हाय गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, फाइनली मेरे हाथ में है मथुरा की फेमस कचौड़ी सब्जी के साथ में, और ये है दही वड़ा। और ट्राई करने वाला हूँ कैसा इसका टेस्ट, आप लोगों को बताता हूँ। गाइस फाइनली मैं ट्राई करने वाला हूँ यार, मेरे को तो काफ़ी जूसी लग रहा है। लेट्स ट्राई। काफ़ी ऑसम है, मुँह पे डालते ही खुल गया है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसके साथ में जो सॉस है ग्रीन और रेड सॉस, और उसके ऊपर से हल्का सा दही, इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जूसी और एकदम मुंह पे एकदम पिघल जा रहा है जैसे कि आप लोग। और फाइनली मेरे हाथ पे जो आप लोग देख रहे हो, ये है मथुरा की फेमस कचौड़ी, कचौड़ी के साथ में सब्जी। और जैसे कि देख सकते हो यार, कचौड़ी वही काफ़ी खस्ता है, और इसके साथ में और ये आलू की सब्जी। ट्राई करता हूँ, काफ़ी ऑसम टेस्ट है इसका। और जैसे कि सर्दी का टाइम है तो इसका जो टेक्सचर और जिसमें मसाले स्पाइसेस, भाई ये मथुरा वालों का दाल बड़ा ना एक नंबर है यार। भाई बड़ा मस्त लग रहा है ये। मथुरा की कचौड़ी और सब्जी, भाई जिसने ये मथुरा वालों की सब्जी नहीं खाई ना कचौड़ी के साथ में, उसने कुछ नहीं खाया। सर्दी जुकाम सारी चीज़ें दूर हो जानी है, आप भी आके ट्राई करो।